खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से लालगंज की। जब देश में कोरोना विभीषिका के संकट से जूझ रहा हो, उसके बीच अभावग्रस्त गरीब जनमानस के लिए मानवीय संवेदनाएं कोई भी भूपटलीय भौतिक सीमाएं नहीं स्वीकार करती। क्षेत्र अधिकारी पांडु प्रकाश जी मिर्जापुर आज लालगंज क्षेत्र के सुदूर हरिया से जड़कुट नक्सल बेल्ट में मध्य प्रदेश जाने वाली बॉर्डर एरिया पर बसे कोल आदिवासी वनवासियों बंधुओं के बीच में मिर्जापुर लालगंज के क्षेत्र अधिकारी भानु प्रकाश जी पहुँचे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा कहां से शुरू कहां से खत्म हो गई, पता ही नहीं चला। मध्य प्रदेश के गरीब वनवासियों ने गाड़ी को देखते ही अपने घरों और खेतों से दौड़ लगाकर गाड़ी को घेर लिया। उन्होंने क्षेत्र अधिकारी जी को बताया, अभी तक मध्य प्रदेश से एक भी बार किसी भी तरह की मदद नहीं पहुँची है। मानवीय संवेदनाएं सीमाओं से परे होती है। इसी विचार के तहत निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए मध्य प्रदेश के उन गरीब आदिवासी बंधुओं को भी क्षेत्र अधिकारी जी के द्वारा अन्नपूर्णा बैंक योजना के तहत साथ लाया गया। आटा, चावल, आलू, साबुन व अन्य गृह उपयोगी चीजें प्रदान की गयी। इस अवसर पर 100 से अधिक स्त्री पुरुष बच्चे मौजूद रहे। क्षेत्र की नक्सल समस्या से ग्रसित रही जनता को लाउड हीलर की सहायता से कोरोना महामारी के बचाव के साथ साथ नशा मुक्ति, आदिवासी समस्या व नक्सल उन्मूलन निराकरण के देश में शासन की लाभकारी योजनाओं की जानकारी दे उन्हें समाज की मुख्य धारा में बने रहने के लिए क्षेत्र अधिकारी भानु प्रकाश जी के द्वारा प्रेरित किया। अभी तक पूरे जिले में समय से ज्यादा काम करना और गरीबों के बीच जाकर उनका मदद करना अगर कोई सीखे तो वह ऐसे काबिल अफसर से मिल सकता है। क्षेत्र अधिकारी नक्सल भानु प्रकाश जी मिर्जापुर, स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, अखिलेश तिवारी की खास रिपोर्ट। मैं क्षेत्राधिकारी लालगंज मिर्जापुर नक्सल बेल्ट में हूँ। इस समय ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा के बाद में, इस समय मैं मध्य प्रदेश के जड़खोड़ गांव में खड़ा हुआ हूं। ये रीवा जिले में पड़ता है। ये नक्सल बेल्ट रही है। यहां नक्सलियों का पहले से प्रकोप रहा है। यहां कुछ दूर ऊपर बाहर जाने के बाद नक्सल शुरू हो जाते हैं। हमारे ये वनवासी बंधु हैं जो बहुत सारी सुविधाओं से वंचित हैं। हमारा प्रयास है, जिस तरह से हम इनका दिल जीत रहे हैं, इस प्रयास को आगे तक कायम रखेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि ये दोबारा मुख्य धारा में आने के बाद फिर दोबारा में भटके। इनके पास में एक ही विकल्प है, ये संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास रखें, शासन पर विश्वास रखें, शासन द्वारा प्रदत्त जो भी प्रशासनिक मशीनरी है उस पर विश्वास रखें। उसी के तहत मैं इनके लिए, इनके कल्याण के लिए आया हूं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र विशेष में नक्सल समस्या, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे हमारे मध्य प्रदेश में हो, इसको दोबारा इस क्षेत्र विशेष में पनपने नहीं दूंगा। इसी तरह से हम सकारात्मक रचनात्मक कार्यो के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से इस समस्या को समूल नष्ट करने के लिए प्रयासरत है और हम लगातार ऐसा ही करेंगे। मैं ये देख के ये मध्य प्रदेश की सीमा में मैं खड़ा हूँ या ये लोग मध्य प्रदेश के हैं या मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। मानवता दोनों तरफ एक जैसी है, जिनको मानवीय मूल्यों के लिए संवेदनशीलता जगाई जाने की जरूरत है। धन्यवाद।